जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तिराल इलाके में पुलिस के एसओजी कैंप के अंदर घुसकर संदिग्ध व्यक्ति ने फायरिंग की। पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने का प्रयास कर रही है। उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों को उसे समझाने के लिए लाया गया है। संदिग्ध व्यक्ति का नाम मोहम्मद अमीन बताया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया है और उस पर फायरिंग कर दी है, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया है। एसएसपी अवंतीपुरा ने उसे आत्मसमर्पण कराने की कोशिश कर रहे हैं। घायल पुलिसकर्मी की पहचान अमजिद अहमद के रूप में हुई है। एबीडी न्यूज़ के लिए मलिक निसार की रिपोर्ट।